हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि कुर्ती की कैसे मेजरमेंट ले। जब भी हम कुर्ती सिलते हैं तो उसका मेजरमेंट लेना जरूरी है। तो जो भी हमारा कुर्ती हमें सही फिटिंग में बैठता है तो हम वो कुर्ती पहले लेंगे और उसका मेजरमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती लेंगे और उसे इस तरह से सीधा रखेंगे और इसकी जितनी लेंथ है यानी कि इसकी जो फुल लेंथ है हम लेंगे। फुल लेंथ लेने के लिए यहाँ से इसका जो शोल्डर जॉइंट है तो यहाँ से हम इस तरह से एक टेप को रखेंगे और नीचे तक जहाँ तक हमारी हाइट है कुर्ती की जितनी लेंथ है वहाँ तक लेंगे। तो ये आती है 34 इंच। तो 34 इंच आई तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। बाद में हम इसका शोल्डर देखेंगे। शोल्डर देखने के लिए हम कुर्ती को इस तरह से रखेंगे। अभी यहाँ से जो हमारा आर्मोल है यहाँ से जो स्लीव जॉइंट है तो यहाँ से दूसरे स्लीव तक यहाँ से जो शोल्डर जॉइंट है तो यहाँ से हम मेजरमेंट को इस तरह से रखेंगे और इसका हम लेंथ लेंगे। तो जो लेंथ लेंगे हम उसमें 2 इंच प्लस करेंगे और बाद में हम इसका शोल्डर निकालेंगे। तो शोल्डर निकालने के लिए हम इसे इस तरह से सीधा रखेंगे और यहाँ से जो हमारी स्लीव जॉइंट है तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे मेजरमेंट को। और ये देखिए ये 14 इंच आता है। तो 14 इंच का हम हाफ लेंगे यानी कि 7 इंच लेंगे हम शोल्डर। और इसकी नेक की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे कि 2.5-3 इतनी गले की चौड़ाई ले सकते हैं। अब हम इसका चेस्ट का नाप देखेंगे। तो यहाँ से जो नीचे की ओर आर्मोल जॉइंट है तो यहाँ पे यहाँ से हम लेंगे मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम इस तरह से टेप को रखेंगे और दूसरे आर्मोल तक हम ले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से 19 इंच आता है तो इसका डबल हुआ 38 इंच। तो 38 इंच का हम 1/4 निकालेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ से इसका जो 38 इंच आता है उसका हम 1/4 लेंगे। 9.5 इंच आता है तो 9.5 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे। जब भी हम पेपर कटिंग या इसका जो फैब्रिक कट करेंगे तो उसका 1/4 लेंगे। जितनी आपका चेस्ट है उसका 1/4 लेंगे, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। अब हम इसके कमर का नाप देखेंगे। तो कमर का नाप यहाँ से हम लेंगे इस तरह से। तो आता है 18 इंच। 18 इंच का हुआ डबल 36 इंच। तो 36 इंच का हम 1/4 लेंगे और उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। यहाँ नीचे हम जहाँ यहाँ से सीट घेरा होता है ये देखिए जहाँ से कट है तो इस सीट घेरे के लिए भी हम यहाँ से इसका यहाँ से दूसरे सीट घेरे दूसरा कट है वहाँ तक लेंगे। तो इस तरह से लेंगे। तो ये भी आता है 19 इंच। 19 इंच इसका डबल हुआ 38 इंच। उसका हम 1/4 लेंगे, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो सीट घेरे में हम 1 इंच प्लस करेंगे, कमर में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे और ये जो चेस्ट है उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। जो भी आपका चेस्ट है तो चेस्ट का 1/4 लेके हम उसमें 2 इंच प्लस करेंगे, कमर का हम 1/4 लेके उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे और यहाँ सीट घेरे में उसका 1/4 लेके उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। अब हम यहाँ से नीचे जो ड्रेस का नीचे का घेरा होता है तो उसका भी हम मेजरमेंट लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से तो आता है 23 इंच। 23 इंच का हम 1/4 लेंगे और उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो 1 इंच प्लस करेंगे और यहाँ से हम इसका जितना आपको कट रखना है तो यहाँ का भी हम इस तरह से मेजरमेंट निकालेंगे 17.5 इंच। तो 17.5 इंच रहेगा और जो हमने ऊपर से हमने जो 2 इंच प्लस कह रहा था तो 1.5 इंच आएगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर में सिला में जाएगा और नीचे हमारा 1.5 इंच रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ से तो जहाँ पे हमें सीट घेरा निकालना हो तो यहाँ से हम शोल्डर से इस तरह से मेजरमेंट लेंगे इसका सीट घेरे के लिए और ये आता है 17 इंच पे। तो आपको 21 इंच 20 इंच इस तरह से जितना आपका मेजरमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप इसका सीट घेरे की लेंथ ले सकते हैं। अब हम आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल के लिए हम यहाँ से जहाँ से स्लीव जॉइंट है वहाँ से हम इस तरह से आर्मोल निकालेंगे। तो ये आता है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच में हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो यानी कि 7 इंच आएगा हमारा ये आर्मोल 7 इंच आएगा। और इसके स्लीव की लेंथ आपको जितनी लेनी है तो यहाँ से आप शोल्डर जहाँ से है वहाँ से जो हमने स्लीव जॉइंट की इस तरह से लेंगे तो ये आता है 5.5 इंच। उसमें आप अगर बगैर अस्तर का होगा तो आप उसमें 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं। अब स्लीव का बॉटम देखेंगे हम। तो स्लीव का बॉटम यहाँ से देखेंगे तो 5.5 इंच आता है। फ्रंट का नेक देखेंगे इस तरह से तो ये क्रॉस में नापेंगे हम ये आता है 7.5 इंच। तो उसमें हम 1/2 इंच मिलाएंगे जब भी हम
इसका मेजरमेंट लेंगे। तो 7.5 इंच जैसा मेजरमेंट आया उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे। और बैक का देखेंगे हमने, तो बैक का यहाँ पे है थोड़ा कम है। अगर आपको डिप चाहिए तो जितना आपका ये आएगा उसमें आप 1/2 इंच मिला सकते हैं। तो ये 4 इंच का है तो हम इसमें 1/2 इंच मिलेंगे, तो 4.5 इंच हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हम कुर्ती का नाप ले सकते हैं। तो जैसे कि पहले हम इसकी फुल लेंथ लेंगे, फुल लेंथ निकालेंगे तो उसमें जितना आएगा उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। चेस्ट जितना आएगा इसका, जितना चेस्ट आएगा उसका 1/4 लेके हम उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पे हम कमर लेंगे तो जितना कमर आएगा उसमें हम उसका 1/4 लेके 1.5 इंच प्लस करेंगे। और सीट घेरा जितना आएगा उसमें हम 1/4 लेके 1 इंच प्लस करेंगे। अब सीट घेरे के लिए हम यहाँ से शोल्डर से हम उसका लेंथ लेंगे, जितनी आपकी लेंथ है। जैसे कि ये अभी 17 इंच आई, तो जैसे कि किसी किसी की 21 इंच तक आती हाइट के अकॉर्डिंग इसकी सीट घेरे की ये लंबाई आ सकती है। और यहाँ से हम आर्मोल लेंगे तो जितना आर्मोल आएंगे उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे। यहाँ से फ्रंट का नेक इस तरह से क्रॉस में नापेंगे हम, तो उसमें भी 1/2 इंच प्लस करेंगे। हम शोल्डर लेंगे इस तरह से जहाँ से ये स्लीव जॉइंट है, तो इस तरह से हम लेंगे तो जितना आएगा उसका हम हाफ लेंगे। ये 14 इंच आए उसका हम हाफ लेंगे तो 7 इंच। और स्लीव की लंबाई हम इस तरह से निकालेंगे जहाँ से ये शोल्डर है वहाँ से हम इस तरह से लेंगे। या यहाँ से जो हमने आर्मोल लिया है तो इतने ऐसे हम इसका स्लीव की लंबाई लेंगे। यहाँ से हम बॉटम लेंगे, जितना आएगा बॉटम उसका हम पूरा गोल बनाएंगे। तो जैसे कि 5.5 इंच आया तो उसका हम डबल बनाएंगे, तो ये आएगा 11 इंच का, तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। और बैक का भी हम इस तरह से नाप लेंगे नेक का, तो जितना आएगा उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे। और यहाँ भी हम जो घेरा निकालेंगे, तो जो घेरा आएगा जितना घेरा आएगा उसका हम 1/4 लेके उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। इस तरह से आपको जब भी कुर्ती की स्टिचिंग करनी हो तो सबसे पहले उसका इस तरह से नाप लेना चाहिए। नाप लेने के बाद ही तभी हमारी कुर्ती की सही तरह से स्टिचिंग होगी, कटिंग होगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।